वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत ही ख़ूबसूरत ये नाम लिखा हुआ है, और आप भी चाहते हैं कि हम भी अपना नाम ऐसे ही ख़ूबसूरत लिखें, तो आज मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। आपको करना क्या है, इसके लिए आपको सबसे पहले पिक्सल लेब जो है डाउनलोड कर लेना है। जैसे प्ले स्टोर में जाएंगे, और प्ले स्टोर में जाने के बाद में आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ आकर आप लिखेंगे पिक्सल लेब, जैसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, तो इसी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। और ये देखिए, मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। आपके पास अगर पहले से है तो अच्छी बात है, वरना आप इसे डाउनलोड कर लें। उसके बाद में आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आपके सामने ऐसी स्क्रीन खुल कर आ जाएगी। आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये जो बीच वाला ऑप्शन है, यहाँ आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में यहाँ जो इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए यहाँ, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में आपको पहले कोई फ्रेम ले लेना है, जो भी फ्रेम आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। जैसा कि मैं ये फ्रेम ले लेता हूँ, ये फ्रेम मैंने ले लिया। उसके बाद सही के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सही के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आप इसे थोड़ा, इसका साइज़ बड़ा कर लेंगे, जैसा कि देखिए मैंने बड़ा कर लिया है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड है वो ख़त्म कर देना है। तो आप कहाँ जाएंगे, यहाँ जो इरेजर कलर लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ ये इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद में देखिए, इसका बैकग्राउंड बिल्कुल साफ़ हो गया है। अभी ज़रा अच्छी तरह से साफ़ नहीं हुआ, तो इसके लिए आपको यहाँ आना है, और यहाँ आकर इसे पूरा बढ़ा देना है। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से, जहाँ भी अच्छा हो अपने हिसाब से आप इसे सेट कर लें। ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है। उसके बाद सही के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए अगर आप यहीं से नाम लिखना चाहते हैं, तो जो ए वाला ऑप्शन है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और जो टेक्स का ऑप्शन है आप यहां क्लिक करके, और उसके बाद एडिट पर क्लिक करके आप यहां से भी अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपना नाम पहले से लिख के रख रखा है, जैसा कि मैंने लिख के रख रखा है, तो वो आना मुख्तलिफुल ख़त से लिखा जाता है। उसका तरीका भी इंशाल्लाह मैं जल्द ही एक दो दिन में बतलाऊँगा। मैंने अभी नाम लिख के रख रखा है, तो इसी इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आप जो है गैलरी में जाएंगे, और गैलरी में जाने के बाद ये देखिए नाम मैंने लिख के रख रखा है, जैसे नाम है मोहम्मद असवद जो नाम लिखा हुआ है, ये देखिए आपके सामने है। आप भी ऐसा नाम लिख सकते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो सही के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और सही के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आप इसे यहाँ ले आएंगे, और उसके बाद में आप इसका भी बैकग्राउंड ख़त्म कर देंगे। तो इसके लिए इरेजर कलर पर फिर आएंगे, और उसके बाद इसे इनेबल करेंगे, और उसके बाद देखिए इसका भी कलर ख़त्म हो चुका है, और इसे सही से बिल्कुल साफ़ कर लेंगे, जैसे मैंने कर लिया है। ये नीचे वाला, इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, जैसे साइज़ बढ़ गया है। उसके बाद इसे बीच में लाने के लिए सही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए बिल्कुल सेंटर में आ गया है। आप इसका कलर भी चेंज कर लेंगे, इसका कलर आपको वाइट कर लेना है। देखिए यहाँ से कलर वाइट हो गया है, और उसके बाद में आपको इसे लेकर के आना है, और इसे बिल्कुल इसके अंदर सेट करना है। ऐसे आप इसे छोटा कर सकते हैं, छोटा करके, और आप इसे इस तरह से सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने कर दिया है, बिल्कुल छोटा करके। अब ये अच्छी तरह से इसके अंदर समा गया है, देखिए इसके अंदर आ गया है। अब आपको इसका भी कलर चेंज करना है,
तो कलर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इनेबल करेंगे और उसके बाद यहाँ से इसका भी वाइट कलर कर देंगे। उसके बाद देखिए मैं इसके अंदर एक ऊपर बिस्मिल्लाह ले लेता हूँ जो पहले से मैंने डाउनलोड करके रखा है। आप भी इसे गूगल क्रोम पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए बिस्मिल्लाह, ऐसे बिस्मिल्लाह, ये बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है इसके अंदर। चलिए इसी बिस्मिल्लाह को ले लेता हूँ, जैसे बिस्मिल्लाह लिखी हुई है, इस बिस्मिल्लाह को लिया। उसके बाद सही के निशान पर क्लिक किया और सही के निशान पर क्लिक करने के बाद में आपको जो है इसे थोड़ा इसका साइज़ छोटा कर लेना है और इसके बैकग्राउंड को भी बिल्कुल साफ़ कर लेना है। वहीं जा कर के ऐसे इनेबल कर दिया और उसके बाद में देखिए इसका बैकग्राउंड बिल्कुल साफ़ हो गया है। साफ़ करने के बाद में आपको इसे ज़रा छोटा कर लेना है ताकि बिल्कुल सही बैठ जाए। इस तरह से आप इसे छोटा कर ले और छोटा करने के बाद में आप इसे यहाँ बीच में सेट कर ले, जैसे कि मैंने सेट कर लिया है। उसके बाद में आप इसका कलर चेंज कर ले, कलर इसका भी आपको वाइट कर लेना है। ये बात आपको याद रखनी है, सबका कलर वाइट ही होना चाहिए। देखिए इसका कलर भी बिल्कुल वाइट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ये बिल्कुल तैयार हो गया है तो आपको करना क्या है, आपको इसे लॉक कर लेना है। लॉक करने के लिए ताले के निशान पर क्लिक करेंगे, जैसे मैंने ये क्लिक कर दिया है, और क्लिक करने के बाद में और इस तरह से ये जो खाली निशान है इनके ऊपर टिक का निशान लगाएंगे, और टिक का निशान लगाने के बाद नीचे जो प्लस का निशान आपको दिखाई दे रहा है डबल प्लस का, आप इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे और इसे इस तरह ओके करके आप इसे ताला लॉक कर देंगे। इसका फ़ायदा ये होगा, अब इधर उधर ये नहीं होगा। देखिए पूरा का पूरा एक साथ जुड़ गया है। थोड़ा सा इसका साइज और बढ़ा लेते हैं। उसके बाद में आप इसे इस तरह से बीच में कर लें, पहले बिल्कुल यहाँ से रिलेटिव पे आके ये देखिए बिल्कुल बीच में आ गया है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो शैडो का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इसे इनेबल कर देना है, उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, ये 3D शेप जो नज़र आ रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इसे भी इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद में देखिए ये फट गया है, आप घबराइए मत, नीचे चलिए और जो सबसे पहला ऑप्शन है इसमें आपको इसे, जैसे 6 नंबर पर है, आपको इसे बिल्कुल 1 नंबर पर कर देना है। देखिए 1 नंबर पर हो गया है। उसके बाद में देखिए जो फट गया है इसका इलाज क्या है, इसका इलाज ये है कि इसका साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा बड़ा करके देख लेते सही हो जाएगा। जैसे मैं इसका साइज़ छोटा सही करके देखता हूँ, देखिए ये बिल्कुल सही हो गया, साइज़ सही करने से ये बिल्कुल सही हो गया है। उसके बाद में आपको करना क्या है, अब आपको इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। देखिए ये जो नीचे ऑप्शन है इसी के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जो फ्रॉम गैलरी नज़र आ रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में देखिए ये बैकग्राउंड जो कलर है ये आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने डाउनलोड कर रखा है। आपको जो भी कलर अच्छा लगे, जैसे मैं गैलरी में जाता हूं और उसके बाद यहां से कोई कलर ले लेता हूं, जैसा कि देखिए मैं ये कलर ले लेता हूं, ये कलर मैंने लिया और उसके बाद सही के ऑप्शन पर क्लिक किया, देखिए बैकग्राउंड में पहुंच गया है। अभी हमें जो है इसके ऊपर भी कलर करना है, फ्रंट की तरफ भी, तो आप फिर बीच वाले ऑप्शन पर जाएंगे और उसके बाद ये टेक्सचर वाला जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, उसके बाद ये गैलरी का ऑप्शन आ रहा है फ़ोटो का, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप इसको कौन सा कलर देना चाहते हैं, वही कलर देना चाहते हैं या दूसरा कलर देना चाहते हैं, कोई दूसरा कलर भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यही वाला कलर देता हूँ जो मैंने बैकग्राउंड में दिया है।
तो इस कलर को लेंगे और इस तरह से आप जो है इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में देखिए कलर आ गया है। अब ये जो नीचे इनेबल का ऑप्शन है आप इसे ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद में ये इसे बिल्कुल आप पूरा खोल देंगे और इसके साथ ही ये देखिए बिल्कुल बनकर तैयार होगा। देखिए कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं कलर बदल देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देंगे। और डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप फिर अंदर जाएंगे और जाने के बाद इस बार आप ये कलर ले लेंगे दूसरा। ये कलर लेने के बाद में आप सही के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है और कितना खूबसूरत लग रहा है। ये नीचे लिखा हुआ है, आप इसे जो है बिल्कुल पूरा मुकम्मल कर लेंगे। देखिए मुकम्मल करने के बाद में देखिए बड़ा खूबसूरती के साथ निखर कर बिल्कुल सामने आ गया है। अब ये देखिए आपके सामने बिल्कुल तैयार हो गया है। देखिए आप जो इसमें ये भी कर सकते हैं, इम्बोज में जा कर के आप इसे भी बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने ये बढ़ा दिया, ये और ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। और इसके साथ ही आप इसे भी बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से बढ़ा दिया, और इसी तरह से इसकी लाइट भी आप बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। बस ये देखिए बिल्कुल मुकम्मल तैयार हो गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अब मैं आपको इसे गैलरी में सेव करने का तरीका बतलाता हूँ, आपको इसे गैलरी में कैसे सेव करना है। तो इसके लिए आपको जो ऊपर शेयर वाला ऑप्शन जो नज़र आ रहा है, ये देखिए शेयर वाला जो ऑप्शन है, शेयर वाला ऑप्शन ये ऊपर नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और उसके बाद में आपको क्या करना है, जहाँ ये डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा है आपको, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में आपको इसे अल्ट्रा सेट कर लेना है। अल्ट्रा अल्ट्रा जैसे आपने सेट किया, उसके बाद नीचे लिखा हुआ आ रहा है सेव टू गैलरी, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में देखिए ये आपकी गैलरी में सेव होने जा रहा है। थोड़ा वक्त लग रहा है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। अब ये आपकी गैलरी में बिल्कुल सेव हो चुका है। अब हम गैलरी में जा कर के देखते हैं कि ये गैलरी में आया है नहीं आया है। अब ये देखिए मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि बिल्कुल फट चुका है, जैसा खूबसूरत वहाँ था इसका बिल्कुल नाश हो गया। अब आपको क्या करना है, वापस वहीं जाना है, बिटकॉइन ले लाला कॉइन स्विच में। इस ऐड को आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये ऐड जैसे ही ख़त्म होगा आप वापस जाएंगे। देखिए ये ऐड ख़त्म होने वाला है, ये ख़त्म हो गया। तो आपको करना क्या है, ये आपको फिर दोबारा से शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जहां आपने ये अल्ट्रा सेट किया था, आपको अल्ट्रा नहीं बल्कि लो सेट करना है। लो जो तीसरे नंबर पे ऑप्शन है लो का, आपको इसे सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको जो है इसे सेव करना है। अब उम्मीद है इंशाल्लाह नहीं फटेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने सेव किया और सेव करने के बाद फिर मैं गैलरी में जाता हूँ और आकर के फिर देखता हूँ कि ये सही हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए ये बिल्कुल सही जैसा हमने बनाया था, बिल्कुल ऐसा ही बन के तैयार हो गया है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो साथी हैं वो भी इसे आसानी से बना पाएंगे, आप भी बना सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अब बनाने में आपको कोई दिक्कत हो तो आप जो है टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं, राह तरबियत के नाम से आप सर्च करके और उसमें आप जो है अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप जो है पूछ सकते हैं आपको कोई दिक्कत आ रही है, या व्हाट्सएप पर भी मालूमात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर जल्दी दूसरी नई वीडियो लेकर हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।